थोड़ी देर में उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी, भगवान शिव की करेंगे पूजा आराधना। सुबह 7:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी, 8 से 8:30 के बीच करेंगे पूजा पाठ। केदारनाथ दर्शन के बाद आदि शंकराचार्य समाधि का अनावरण करेंगे पीएम मोदी, शंकराचार्य की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का फिर से किया गया है निर्माण, साल 2013 में आई बाढ़ के चलते समाधि को पहुंचा था नुकसान। केदारनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी, परियोजनाओं की लागत करीब 400 करोड़ रुपए। पीएम मोदी केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ में लगभग 3.5 घंटे का वक्त बिताएंगे, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता 35 शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली में हवन पूजन करेंगे, पीएम मोदी के केदारनाथ जाने को लेकर करेंगे पूजा पाठ। दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया केदारनाथ मंदिर, मंदिर को फूल और लाइट से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई दीपावली, पीएम को अपने साथ पाकर जवानों का जोश हाय। पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा कराया, खुद अपने हाथ से मिठाई खिलाई, दिवाली की बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रिगेडियर उस्मान को दी श्रद्धांजलि, ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को बचाने के लिए दी थी शहादत। पीएम मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया, कहा पीएम के रूप में नहीं आपके परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। पीएम ने जवानों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, कहा बिना नुकसान पराक्रम करके वापस लौटे जवान। पीएम मोदी बोले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अशांति फैलाने की कई कोशिश का जवाब भी जवानों ने मुंह तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य, देश में बन रहे हैं अर्जुन टैंक, तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। पीएम मोदी ने की सशस्त्र सीमा बलों की तारीफ, कहा 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं सशस्त्र बल, यही ताकतें भरोसे का प्रतीक है। दिवाली पर दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, कई इलाकों में पीएम 2.5 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार। दिल्ली में आसमान में फैली स्मॉग की चादर, विजिबिलिटी पर पड़ा असर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव, दिवाली का त्यौहार, लोगों ने दिए जलाने के साथ जमकर फोड़े पटाखे की आतिशबाजी। दिल्ली पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर, दिवाली पर दिल्ली बंगला साहिब, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, पटेल चौक पर शानदार लाइटें। दिल्ली की बड़ी सरकारी इमारतें सजाई गई, रोशनी से जगमग हुई संसद। राष्ट्रपति भवन पर भी भव्य रोशनी की लाइटिंग की गई, लाइटिंग के जरिए दिवाली का जश्न मनाया गया। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी रोशनी से सराबोर नजर आया, दिल्ली पर मंदिर को सजाया गया दिवाली में। दिवाली के मौके पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी रोशनी से सराबोर, हजारों की संख्या में मत्था टेकने पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई में बीएमसी और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शानदार नजारा, शानदार लाइटिंग से जगमगाई इमारतें। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में दिवाली पर काली पूजा, कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा अर्चना। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से लेकर काली माता टेम्पल तक भव्य लाइटिंग, लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। दिवाली पर रोशनी से जगमग हुआ वाराणसी, बीएचयू कैंपस को भी सजाया गया। यूपी के प्रयागराज में दिवाली पर शानदार सजावट, रोशनी से नहाया शहर। अयोध्या में सरयू तट पर दिवाली पर विशेष संध्या आरती, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। चित्रकूट में दिवाली पर लोगों का मेला, दीपदान करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। मंदाकिनी नदी के किनारे श्रद्धालुओं का हुजूम, करीब 25 लाख लोगों ने दीपदान किया। भोपाल के महालक्ष्मी मंदिर पर दीपावली पर विशेष पूजन, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कोची में भी मना दिवाली का त्यौहार, दिवाली का जश्न, दिए से लिखा गया ओम, लोगों ने सड़कों पर जमकर आतिशबाजी की। दीपावली पर दियों की रोशनी से जगमगाया कोची का तिरुमाला देवस्थानम मंदिर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिवाली का शानदार जश्न, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। अम्बाला में पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। उत्तराखंड में बॉर्डर पोस्ट पर आईटीबीपी के जवानों ने दीपावली मनाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी के जवानों ने दीपावली मनाई, दीप जलाकर शांति का संदेश भी दिया। सिलीगुड़ी में भी जवानों ने जमकर आतिशबाजी की, आईटीबीपी ने खास कार्यक्रम आयोजित किए। अगरतला में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की दिवाली, जवानों को मिठाई बांटी गई। एलओसी के पास टिथवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ दिवाली मनाई, अटारी वाघा बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिवाली मनाई, विशाखापट्टनम पॉट पर दिए जलाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम पर की दिवाली पूजा। त्यागराज स्टेडियम पर हुआ दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, केजरीवाल सरकार के अन्य मंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर मनाई दीपावली, दिए जलाकर त्यौहार मनाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम में खटीमा पहुंचकर दीपावली मनाते नजर आए, अपने आवास पर लक्ष्मी पूजन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में दिवाली मनाई, परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में दिवाली मनाई, परिवार के साथ पूजा पाठ किया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में परिवार के साथ दिवाली मनाई, देशवासियों के लिए खुशी और शांति की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे, अंकुर अभियान से जुड़े वॉलंटियर्स से वर्चुअली बात करेंगे। अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर जुटा बच्चन परिवार, दीपावली पर की पूजा अर्चना। दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात की, उन्हें मिठाइयां और गिफ्ट बांटे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, दीयों के साथ तस्वीर भी शेयर की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मनाई गई दिवाली, यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली में पहली बार सजाया गया, जमकर आतिशबाजी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजी। यूएई में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया, दुबई के एक्सपो 2020 में जुटे लोग। दिवाली के जश्न के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, डांस और म्यूजिक का बिखेरा जलवा। लोगों ने आसमान में पतंग उड़ाकर जश्न मनाया, भारी संख्या में भारतीय भी शामिल हुए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक एनसीबी के सामने पेश होंगे, कोर्ट ने बेल देते समय हाजिरी की शर्त लगाई। क्रूज ड्रग्स केस में सैम डिसूजा सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देगा, हाईकोर्ट ने तत्काल अर्जी पर सुनवाई से मना किया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की विदेशी बॉन्ड की ब्रांड की शर्ट पहने फोटो ट्वीट की, महंगे कपड़े पहनने को लेकर सवाल उठाए। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को दिया जवाब, कहा जो ब्रांड नवाब मलिक दिखा रहे हैं वो सब लोखंडवाला मार्केट में मिलता है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को समन भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज होगी पूछताछ। बिहार के गोपालगंज में पिछले दो दिनों में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई, गुरुवार को भी दो लोगों ने दम तोड़ा। शराब पीने से बीमार 7 लोग अस्पताल में भर्ती, मामले में अस्पताल और प्रशासन का कुछ भी बोलने से इनकार। बिहार के बेतिया में भी जहरीली शराब पीने से 8 लोगों ने जान गंवाई, करीब एक दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हुए। परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया, ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस को शराब बेचे जाने की सूचना देने के पर कार्रवाई नहीं की गई थी। टीएमसी के सीनियर नेता सुब्रत मुखर्जी का कोलकाता में निधन हुआ, अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के कारण जान गंवा निधन। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे सुब्रत मुखर्जी, 75 साल के मुखर्जी पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। ममता बनर्जी ने किया अस्पताल का दौरा, सुब्रत मुखर्जी के निधन पर दुख जताया। गुरुग्राम में एक घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 6 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत। आपसी रंजिश में पूर्व सरपंच के घर पर किया गया हमला, घायल हुए 5 लोगों में 2 की हालत नाजुक, पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बनी झोपड़ियों में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसान नेताओं का सरकार पर साजिश रचने का आरोप, कहा कोई चाल नहीं होगी कामयाब, जारी रहेगा आंदोलन। गुजरात के वलसाड में वापी पेपर मिल में भीषण आग, आग बुझाने के काम में जुटी दमकल की गाड़ियां, लगातार फैलती जा रही है पेपर मिल में लगी आग, हादसे में किसी तरह के हताहत की कोई खबर नहीं। पंजाब के भटिंडा में पटाखों के स्टॉल में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। भारी बारिश से बंगलुरु के कई इलाके पानी पानी, सड़कों पर सैलाब। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,885 पॉजिटिव मामले, एक दिन में 461 संक्रमितों ने जान गंवाई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,545 नए मामले, 55 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,141 नए मामले, बीते 24 घंटे में 32 लोगों ने जान गंवाई। WHO ने यूरोप और सेंट्रल एशिया के 53 देशों में कोरोना संक्रमण में तेजी पर चिंता जाहिर की, संक्रमण रुका नहीं तो फरवरी तक 5,00,000 लोगों की हो सकती है मौत। यमन में हौथी विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी, सामने आई हमले की तस्वीर। मैक्सिको में प्रवासियों और सुरक्षा बलों में झड़प, प्रवासियों ने पत्थर से किया हमला, हमले में एक सुरक्षा बल घायल, मार्च कर रहे प्रवासियों को हिरासत में लेने के बाद हुआ हंगामा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, ट्रक चुराकर भाग रहा था। चिली में हिंसा के बीच 2 लोगों की हत्या, दोनों को गोली मारी गई। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का स्कॉटलैंड से मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत के लिए ये मैच भी करो या मरो वाला, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए हर मैच जीतना जरूरी। आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के सामने नामीबिया की चुनौती, जीतने पर न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की राह होगी आसान। सुपर 12 में कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, जीत के साथ सेमीफाइनल का दावेदार बना। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम 78 रनों पर ढेर हुई, ऑस्ट्रेलिया ने 6.2 ओवर में 2 विकेट खोकर जीता मैच। कल दूसरे मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर पानी फेरा, वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया, सेमीफाइनल्स की रेस से किया बाहर। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का दिया टारगेट, वेस्टइंडीज की टीम 169 रन ही बना सकी।
भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, 5 स्पिनर टीम में शामिल, ट्रेंट बोल्ट को जगह नहीं दी गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।